बस ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जमात में कि लोग अपने पास कुछ ना होने के बावजूद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च कर देते हैं किसी न किसी तरीके से इंतज़ाम करके, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें, अल्लाह ताला भी ऐसे कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ताला उन्हें अपने वादे के मुताबिक कि वह यारज़ुक हो मिन हैसु ला यहतसिब, और इसको वहाँ से रिस्क देगा और देता है जहाँ से रिस्क आने का उसे ख्याल भी नहीं होगा। अल्लाह ताला भी इस तरह अपना वादा पूरा करता है। और अहमदी ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते हैं कुरान करीम में, बल्कि आज भी इसको पूरा होते देखते हैं, अपने तजुर्बात लिखते हैं इस बारे में। मैं इसकी मिसालें पेश करूँगा, ये कि पुरानी बातें नहीं हैं, पुराने लोगों की कहानियाँ हम सुन रहे हों, बल्कि ऐसे तजुर्बात से अल्लाह ताला आज भी मोमिनों के ईमान मजबूत करता है। और ना सिर्फ जिनको अल्लाह ताला के फजल होते हैं, बराह रास्त जो फजल हासिल कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता है, उनका ईमान मजबूत होता है, बल्कि जो उनके करीब रहने वाले हैं उनके भी ईमान मजबूत होते हैं, उन्हें भी इस माली कुर्बानी का इस वजह से एहसास होता है, और वो भी फिर अपनी कुर्बानियों में बढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बने।